जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया इसलिए गए थे अपना पिताजी की पिंड देने के लिए, क्योंकि पहले इसलिए भगवान गया में पिंड देने के लिए गए, पहला कारण ही हमारे भारत में भी ये प्रथा है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने का बाद उसको अस्थि लेकर के हम लोग गंगा में विसर्जन देते हैं, कभी गया में भी जाते हैं पिंड देने के लिए। गए कि नहीं तुम लोग ने कभी गया? कहीं गए हो पिंड देने? गए हो, जाते हो? हाँ, इसलिए कोई जाते हैं गया में पिंड देने के लिए जाते हैं। बोले पिंड देने के लिए क्यों जाते हैं? बोले जो गया में भगवान का चरण चिन्ह है, गदाधर जी का चरण चिन्ह है, भगवान का वरदान है, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने का बाद अगर इनकी पितृ पुरुषों के उद्धार के लिए गया में कोई पिंड देने के लिए जाए, उसका जीवन का जितना पाप है सबके सब नष्ट हो जाता है, सारे पाप उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे भारत में मरने का बाद अपना पितृ उद्देश्य में पिंड देने के लिए जाते हैं। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं हम लोगों को भी पिंड देने के लिए जानी चाहिए। इसलिए आप लोग सुने होंगे कि पितर दोष, सुने हो पितर दोष? क्योंकि ये पितर दोष रहने पर आप देखना घर में सब कुछ रहते हुए भी कभी कभी शांति सुख घर में नहीं मिलता है, सब कुछ है, किस चीज की कमी नहीं, लेकिन घर में शांति सुख नहीं। आप किसको पूछो बोलेंगे लगता है कहीं तुम्हारे पितर दोष होता नहीं। पितर दोष मतलब होता है जो पूर्वज लोग पहले चले गए लेकिन अभी उनका आत्मा को शांति नहीं मिल रही, उनका आत्मा को शांति, अगर उनका आत्मा को शांति नहीं मिले अब देखना परिवार में भी शांति सुख नहीं मिलता है। इसलिए कहते गया में जा करके पिंड दे करके आओ, पितृ पुरुष अगर खुश हो गए तुम भी खुश हो जाओगे, हैं? इसलिए हमारे भारत का ये रिवाज है। अभी दूसरा नंबर है महाप्रभु क्यों गए, बोले तो पहले ये बौद्धवाद बहुत प्रचार था, एक बौद्धवाद है, बौद्धवाद मतलब है उनका जो फिलोसफी है आत्मा फात्मा भगवान भगवान कुछ नहीं है, हम जीरो से आए, मरने का बाद ही आत्मा भी आत्मा फात्मा कुछ नहीं, हम सब के सब जीरो में ही लीन हो जाएंगे, कुछ नहीं है, आत्मा नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं। उनका जो फिलोसफी है कहते ऋणी करके भी घी पी लो, मरने का बाद कौन शोध करने के लिए आया, आत्मा फात्मा तो कुछ है नहीं। लेकिन हम लोग कहते ना भैया किसका ऋणी मत रहा करो, क्यों ऋणी रहने पर वो ऋणी को तुमको किसी तरह से किसी जीवन में तुमको चुकाना ही पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा, तो उसको घर में घोड़ा बन करके आओगे, नहीं तो इसको घर में गधे बन करके फिर आओगे, नहीं तो उसको घर में फिर गैया बन करके आओगे उसका ऋणी चुकाने के लिए। इसलिए कहीं कथा आती है एक समय, आप लोग देख लेना गैया जब सोते हैं, आप लोग नजर करके देखना उनका मुंह करके एक तरफ में होता है, जैसे हम लोग बैठ कर आपस में बात करते हैं ना, ऐसे गैया जब सोते हैं आप देख लेना कभी मुंह को एक तरफ में करके जैसे बैठे हुए रहते हैं। बोले क्यों? बोले आपस में बात करते हैं। कोई एक संत थे जो कि गैया का भाषा समझते थे, इतने में गैया लोग आपस में बात एक दूसरे से बात करता है, एक गैया प्रश्न कर रहा है, बोले तेरे को ये सेठ के घर में कितना दिन रहना पड़ेगा? कोई कहता है अभी तो मेरे को 5 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म में उसको कुछ ऋणी लिया था, और ऋणी को चुकाने के लिए अभी उसको घर में गैया बनकर के नहीं तो बैल बनकर खेती कर रहा है, नहीं तो दूध दे रहा है। और किसको पूछा अभी तेरे को कितना साल रहना पड़ेगा? बोला अभी तो मेरे को 1 साल और रहना पड़ेगा इसके घर में, तभी हमारी सारी ऋणी से मरी और ऋणी हम बन सकते हैं। इसलिए कि संत ने सब सुना, आपस में सबके सब बात कर रहे थे, इसे नियम है भैया कभी किसका ऋणी मत रहा करो, नहीं तो तुमको किसी ना किसी जीवन में उसका ऋणी तुमको चुकाना पड़ेगा ऋणी। इसलिए किसी तरह से ऋणी से उऋणी हमें बन जानी चाहिए। बोले एक पुराण में एक कथा आती है, एक पंडित जी थे, पंडित जी ने एक समय किसी कारण से जमदूत से भेंट हो गया तो उसने बोले भैया क्या चाहते हो? बोले मैं जिंदा रहते रहते क्या स्वर्ग नरक देख सकता हूँ? बोले जिंदा शरीर इसी शरीर में स्वर्ग नरक देख सकता हूँ? बोले एक बार मेरे को जम महाराज से पूछना पड़ेगा।
उन्होंने जा करके जब महाराज से बोले, एक पंडित जी बड़े धर्म परायण है, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी बेईमानी नहीं करते, बहुत अच्छे सज्जन हैं। वो कहते हैं ये शरीर रहते रहते स्वर्ग नरक देखना चाहते, संभव क्या है? बोले अगर आप बोलते हो हम कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोले ठीक है, तुमको जिंदा रहते रहते स्वर्ग नरक तुमको दिखा देंगे। तो उन्होंने उनको जिंदा रहते रहते स्वर्ग उनको दिखा दिया। जब उन्होंने स्वर्ग को उन्होंने दिखाया, हे स्वर्ग की वैभव देख करके उन्होंने तो एकदम चकाचौंध हो गए, क्या स्वर्ग की ठाट और बाढ़ है। बोले भैया अभी तो मेरा स्वर्ग देखना हो गया। ध्यान को बंद करो, हरे कृष्णा। इसलिए मेरा काशी हो गया था कुछ दिन से, हरे कृष्णा। तो थोड़ा पानी ले जाओ, लेने के लिए गए, अब बैठो लेने के लिए गए। तब उनको उन्होंने स्वर्ग दिखा दिया। बोले भैया तो स्वर्ग देखना हो गया, एक बार हमें नरक भी दिखा दो। तो उन्होंने उनको उसी शरीर से नरक ले गए। जब नरक ले गए तो जैसे जैसे जो पाप कर्म किया है वो पाप के अनुरूप सबके सब दंड भोग कर रहे हैं। जिन लोग ने जिंदगी भर माछ मछली खाए उसको देखा जिंदा जिंदा तो उसको करत में काट रहे थे, जिंदा जिंदा उसको करत में काट रहे थे। जो शराब पीते हैं उनको तो लोहे को पिघाल करके उनको मुंह में डाल रहे थे, जिंदा जिंदा। जो इन्हीं आंखों में गंदी गंदी चीज देखते हैं उनको आंख को जिंदा जिंदा निकाल रहे थे। जो तराज में हेर फेर करते हैं उनको अंगुल भी काट रहे थे। इसको देख देख करके तो एकदम हैरान हो गए, हैं हैरान हो गए, ऐसे जीव को दंड भोगना पड़ता है। तो उन्होंने जब महाराज से पूछे, बोले भैया मैंने कभी कुछ पाप कर्म किया कुछ है मेरे नाम पर, ये तो मेरे को नरक में आना पड़ेगा, फिर मेरे को भी सजा भोगना पड़ेगा, कुछ पाप है? बोले एक पाप तुम्हारी थोड़ी सी है। बोले क्या पाप है? बोले एक समय तुमने जो जूता सिलाई करता है ना, तो एक जूता सिलाई वाले से तुमने जूता सिलाई करवाया, लेकिन उसका पैसा तो दिया लेकिन पूरा तुमने नहीं दिया। बोला जितना पैसा में हो जाएगा काम चल जाएगा, लेकिन तुम एक आना पैसा उसको नहीं दिया, अभी तुमको एक आना बाकी है, इसलिए ये एक आना जो पैसा बाकी तुमको उसको तुमको देना पड़ेगा। बोले भैया उसका हम तो दिया नहीं, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। बोले क्या दंड है? बोले दंड ये है तुम्हारी पीठ से इतना मांस निकाल दी जाएगी, इतना मांस तुम्हारी पीठ से जिंदा जिंदा निकालना पड़ेगा। बोले भैया जो करना अभी कर लो, नहीं तो बाद में भोगना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसको जिंदा जिंदा जो पंडित जी थे ना, इतना जो मांस को वहां से निकाल दिया। अगर अब जिंदा जिंदा किसका पीठ से अगर इतना मांस निकाल दो, बताओ क्या होगा, कितना कष्ट होगा। लेकिन जब निकाल दिया, वो तो सो रहा था मरते जगत में ना, उसको शरीर को तो आत्मा शरीर को ले गए थे नरक, और कहां ले गए थे, स्वर्ग ले गए थे। इतने में उसको नींद खुल गई। जब नींद खुल गई देखा, उसको चित्कार किया, चित्कार किया तो देखा सचमुच से उसने सोचा भैया मैं तो कोई स्वप्न तो नहीं देखा, कभी कभी ऐसे होता है ना कोई आश्चर्य चीज हम स्वप्न में देखते हैं। तब उन्हें देखा तुमने तो स्वप्न तो कहीं नहीं देखा, लेकिन देखा उसको पीठ में इतना मांस निकाल दिया गया, हाँ इतना मांस उसको पीठ से निकाल दिया गया। फिर उसने सोचा नहीं ये बात सही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इसलिए श्री पहले जो था बौद्ध धर्म अत्यंत का नास्तिक धर्म, भगवान भगवान आत्मा फात्मा कुछ भी नहीं मानते हैं, किसी तरह से ऋणी करके घी पी लो, मरने के बाद कौन चुकाने के लिए आता है, भगवान आत्मा फात्मा तो कुछ नहीं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये जो धर्म अत्यंत नास्तिक धर्म है, ये आत्मा फात्मा भगवान को कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने गया गए और गया जाकर के अपना पितृ पुरुषों को उद्देश्य में उन्होंने पिंड प्रदान किया है, पिंड प्रदान शिक्षा दिया, पिंड हमें देनी चाहिए। अभी प्रश्न है
क्या चैतन्य महाप्रभु को क्या पिंड देनी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, राधा कृष्ण मिल करके एक स्वरूप है। उनको पिताजी कौन है? पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ मिश्र। वो कौन है? नंद बाबा है। ये भगवान के पिता। क्या श्री चैतन्य महाप्रभु को भी क्या पिंड देना चाहिए? अरे नहीं, कहते जो व्यक्ति अगर सचमुच से सदगुरु आश्रय करते हुए जो व्यक्ति हरिनाम करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, उनको भी पिंड देने का कोई भी जरूरत नहीं। क्योंकि कहते वंश में जब तीन तरह का भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ भक्त, एक मध्यम भक्त और एक उत्तम भक्त। जो कनिष्ठ भक्त है, अगर एक कनिष्ठ अगर भक्त बन जाए, उसका कितना पुरुषों पितृपुरुषों उद्धार होगा? बोले 7 पीढ़ी। अगर कोई मध्यम वैष्णव बन जाए, उसका 14 पीढ़ी उद्धार हो जाएंगे। अगर कोई उत्तम भक्त बन जाए, उसका 21 पीढ़ी अपने आप भगवान का धाम में पहुंच जाते हैं, अपने आप पहुंच जाओगे। इतने महत्व है। कहते कनिष्ठ भक्त किसको कहते हैं? बोले कनिष्ठ भक्त उसको कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर जी को प्रति तो श्रद्धा रखते हैं। कहते भैया ये साक्षात जगन्नाथ जी है, ये साक्षात बलदेव प्रभु है, ये साक्षात सुभद्रा देवी, ये साक्षात ठाकुर जी है। लेकिन उनको ठाकुर जी को सेवा में तो बड़ा रुचि है, बड़ी रुचि ठाकुर के सेवा में, लेकिन वैष्णव सेवा में और भक्त सेवा में इतना रुचि नहीं, इतना रुचि नहीं। लेकिन भगवान को तो भगवान मानते हैं, लेकिन गुरु और वैष्णव का प्रति उनका भक्ति इतना नहीं। कहते वो कनिष्ठ भक्त है। कहते मध्यम भक्त कौन है? बोले मध्यम भक्त उसको कहते हैं जो ठाकुर जी की सेवा में जितना उनकी रुचि है, जितना उनकी रुचि है, लेकिन जो वैष्णव और जो गुरु जी की सेवा में ज्यादा रुचि है। क्योंकि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। ठाकुर जी कहाँ निवास करते हैं? बोले वैष्णव और गुरु जी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए कहते भगवान के प्रति तो प्रेम है, लेकिन जो वैष्णव का प्रति मैत्री और जो द्वेष करने वाले उनको उपेक्षा करते हैं, हैं, और जो मूर्ख है उसको पर ये कृपा करते हैं। कहते ये मध्यम वैष्णव। कहते उत्तम वैष्णव कौन है? कहते सभी का हृदय में वो शरीर को कोई नहीं देखते हैं। कहते स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। वो कभी पेड़ पौधा लता पता ये सब चीज नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं? सभी के हृदय में भगवान का निवास, सभी का हृदय में ठाकुर जी को दर्शन करते, वो शरीर दर्शन नहीं करते हैं। कहते अगर ऐसे अगर कोई भक्त हो जाए ना, उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाएंगे। ये तीन और एक तीन तरह का, इस पर थोड़ा ध्यान देकर सुनो। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को तो भक्त लोगों ने प्रश्न किया, बोले प्रभु वैष्णव का लक्षण किया है? तो महाप्रभु कहते हैं जो कनिष्ठ वैष्णव है, भजन तो करता है लेकिन कभी कभी भजन करता है। अगर भजन करते करते अगर थोड़ी मोड़ी कोई अगर रोंक झोंक आ जाए, थोड़ी मोड़ी अगर कोई बाधा विपत्ति आ जाए ना, वो क्या करता है? वो अपना घूमना नहीं छोड़ेगा, खाना छोड़ना नहीं छोड़ेगा, पहले हरिनाम छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा? प्रभु की भजन छोड़ देगा। अरे हमने इतने भगवान की भजन की और भगवान हमारे साथ में ऐसे किया है, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया है, हैं? जिनकी भक्ति तो है, लेकिन वो भक्ति जैसे जैसे दिया जलती है ना, थोड़ी सी अगर हवा की झोंक आए क्या होता है, वो झट वो बुझ जाती है। कहते उनकी जो भक्ति तो करते हैं, कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर के ऊपर में 22 बाजार में पिटाई हुई, महाराज बोल रहे थे अभी हरिदास ठाकुर का कथा हम सुनेंगे, हैं? हरिदास ठाकुर को कितना बाजार में पिटाई हुई बताओ? 22 बाजार में ऐसे पिटाई की एकदम उनका शरीर का जो जो चमड़ा उधड़ को उतार देने वाले, जब पिटाई हो रही थी इतने में बैकुंठ से भगवान स्वयं उतर करके आ गए। बोले मेरे भक्तों को पर अत्याचार, ये दुष्टों को सब विनाश कर दूंगा। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे? ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे, ठाकुर जी ये मूर्ख लोग अज्ञ कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ये तो मुसलमान घर में थे और ये हरे कृष्ण नाम जब करते थे, जब मुसलमान ने पूछा भैया तुम मुसलमान हो करके हिंदुओं का हरे कृष्ण नाम क्यों करते हो,
बोले देखो भगवान थोड़ी दो, भगवान तो एक ही है ना, तुम उसको अल्लाह कहते हो, हम उसको भगवान कहते हैं, और कोई उसको गॉड कहते हैं, वो थोड़ी नाम तो अलग अलग, ठाकुर थोड़ी, हमें भगवान का नाम ही अच्छा लगता है। इसलिए उनको 22 बाजार में पिटाई की, लेकिन उसको बाद में भी जितने जोर से पिटाई कर रहे थे उतना जोर जोर से क्या कर रहे थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। उतना जोर जोर से ठाकुर का नाम जप कर रहे थे, हैं, ठाकुर का भजन कर रहे थे। इतने में ठाकुर जी देख करके स्वयं, जब हरिदास ठाकुर जी इनके कल्याण सोच रहे थे, ठाकुर जी स्वयं उनको आलिंगन कर लिया, और जितने पिटाई किसने लिया, ठाकुर जी ने लिया, सब ठाकुर जी ने सारे पिटाई को ठाकुर जी ने ले लिया। यहाँ पर कहते हैं जो जो कनिष्ठ भक्त, सबसे जो छोटे भक्त हैं, भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति डामाडोल सा भक्ति, वो एकदम पक्के नहीं। भले ही जीवन में जो कुछ, जैसे मीरा का जीवन में कितने बाधा आई, लेकिन मीरा ने क्या भजन छोड़ दी, दुनिया को छोड़ दी, लेकिन भगवान की भजन उसने नहीं छोड़ी। मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरों न कोई, और एक दिन देखो मीरा के कितने जय जयकार है। इसलिए कहते ये कनिष्ठ भक्त है। कहते मध्यम भक्त कौन है, कहते मध्यम भक्त उसको कहते हैं अपना जो भक्ति है ना बढ़िया से, रोज सवेरे उठ करके अपना तिलक लगाना, गुरु मंत्र जप करना, ठाकुर जी का आरती करना, तुलसी में पानी देना, ठाकुर का नाम जप करना, रोज गीता रामायण भागवत हो रोज पढ़ना, अपना भक्ति को एकदम पक्के करते हैं। भले ही जीवन में जो कुछ आ जाए लेकिन अपना भक्ति कभी नहीं छोड़ते, दुनिया भले ही छूट जाए लेकिन अपना भक्ति को कभी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इनके अंदर में इतने ज्ञान नहीं किसी दूसरों को समझा सके, इतने इनके अंदर में है नहीं अभी दूसरों को भी समझा दे, इसलिए लेकिन अपना जो भजन है ना वो ठीक ठाक कर लेते हैं। ये कौन है, ये मध्यम है। कहते उत्तम भक्त कौन है, कहते उत्तम भक्त तो उसे कहते हैं जीवन में भले ही किसी स्थिति आ जाए, किसी स्थिति जीवन में आ जाए, उसका जीवन में खुद तो भजन कर ही लेते हैं, खुद तो भजन कर ही लेते हैं, लेकिन दूसरों को मन में जो शंका है ना, आप देख लेना भक्ति करने के लिए जीवन में कितने बाधा विपत्ति आती हैं। शास्त्र में बताया सत्यम सत्नेन विघ्नानि, अब सच बोलो 100 बाधाएं हैं। कहते सहस्रेण तथा तपो, अगर तुम तपस्या करने के लिए जाओ उसमें 1000 विघ्न है, लेकिन अगर कोई गोविंद की भक्ति करने के लिए जाए, ठाकुर जी की, उसकी पद पद में ही बाधा है। कहते यहाँ तक भी स्वर्ग के देवता हैं, जो तिलक गले में कंठी माला भजन करते, स्वर्ग का देवता भी उनका टांग पकड़ कर खींचना शुरू करते हैं। बोले क्यों, बोले साधारण है कि व्यक्ति जन्म लिया मरते जगत में, लेकिन देवता लोग कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में, लेकिन जो भगवान राधा कृष्ण का भक्ति करेंगे वो कहाँ जाएंगे, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में कहाँ है, स्वर्ग तो एकदम छोटे जगह है, स्वर्ग मोह जन तप सत्य उसको ऊपर में, फिर तो वैकुंठ बिरज या फिर वैकुंठ है, वैकुंठ ऊपर फिर अयोध्या, उसको ऊपर द्वारका मथुरा, और गोलोक वृंदावन तो कहाँ भगवान की सर्वश्रेष्ठ धाम है। इसलिए जहां पर जाने के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जो गोलोक वृंदावन जाने के लिए ये भी तरसते हैं, ये भी गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते हैं। इसलिए एक समय श्री अनंत देव महाविष्णु को पास में गए, ध्यान देकर सुनो, अनंत देव महाविष्णु को पास में गए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से मैं सारे धाम में तो गया लेकिन अभी तक मैंने भगवान की गोलोक वृंदावन नहीं जा पाए। महाविष्णु क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बोले कुत्ते का पूछ पकड़ करके समुद्र पार हो जाएंगे, अब बताओ कुत्ते का पूछ पकड़ कर कोई समुद्र पार हो सकता है, नहीं हो सकता है। कहते उसी तरह तुम कहते हो गोलोक वृंदावन, भैया इतने आसानी बात नहीं। वो स्वयं कहते महाविष्णु मैं भी वृंदावन नहीं जा पाए, बोले कारण तो गसाई गर्भ तो गसाई खिराब दिशाई विष्णु ये भी नहीं जा पाए,
यहाँ तक भी लक्ष्मी भी अभी बैठ करके तपस्या कर रही हैं, ब्रह्मा भी जहाँ पर पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, इसलिए उद्धव जहाँ पर गुल्म लता औषधि वृक्ष जन्म लेना चाहते हैं, ये से वृंदावन धाम। बोले से वृंदावन धाम की, अरे जोर से बोलो, बोले से वृंदावन धाम की। इतने वृंदावन धाम दुर्लभ है, इतने, और जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो कहाँ जाओगे, बोलो को वृंदावन जाओगे। और जो महाप्रभु का लाइन में चैतन्य महाप्रभु जो धाम में आए, एक एक साथ में तो गोलोक वृंदावन जाओगे और एक साथ में तो महाप्रभु के पास में भी जाओगे, एक साथ में दो स्वरूप को प्राप्त करोगे, इतने महिमा, इतने महिमा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति करने के लिए जाओ हर पद पद में बाधाएं, ये देवता लोग भी तुम्हारी टांग पकड़ करके खींचना शुरू कर देंगे, इतने बाधा। लेकिन जो भक्ति करने वाले वो भैया वो कभी टस से मस नहीं होते हैं, भले ही जो कुछ हो जाए हम भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ते हैं, प्रभु की भजन कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति है कनिष्ठ भक्त, जो उत्तम भक्त है, वो क्या करते हैं, खुद तो भक्ति कर लेते हैं लेकिन अगर उनका जीवन में कोई भी स्थिति आती है, कोई भी व्यक्ति व कोई भी स्थिति, हर स्थिति को सामंजस्य कर लेते हैं, वो चीज को सामंजस्य कर लेते, नहीं भैया भक्ति में तो आती रहती, संसार में कोई बाधा विपत्त नहीं आती है, पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है, सास बहू में लड़ाई नहीं होती है, क्या घर बार छोड़ देते हो, अरे बताओ क्या घर बार तुम छोड़ देते हो, घर में रोज पति पत्नी में कुछ ना कुछ ठंडबन होता होगा, होता कि नहीं, क्या घर बार तुमने छोड़ दिया कभी, नहीं छोड़े ना। इसलिए प्रभु की भजन करने के लिए भी कभी थोड़ी बहुत होता है, लेकिन होने पर भी हम थोड़ी भगवान की भक्ति छोड़ देंगे, दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, कहती है उत्तम भक्त है। अगर ऐसे कोई भक्त हो जाए ना, बस उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाएंगे। इसलिए भक्त लोगों को पिंड पिंड देने का जरूरत नहीं है भक्तों का, क्योंकि जो प्रभु का भक्ति करते हैं अपने आप उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाती है। इसलिए लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु गया में पिंड देने के लिए, जब चैतन्य महाप्रभु गए तो उन्होंने जब उन्होंने देखा, क्या देखा, भगवान का चरण को दर्शन किया, चरण को देख करके भगवान के चरण कैसे है, कहते जम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत दिव्यस्तु नई वेदई सांग क्रमोपनिषदि गायति जत सामगा ध्यानावस्थित जत गति न पसंति जत जुगिना। कहते भगवान की चरण कितने दुर्लभ है, बोले जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं, बोले बायो रथा भी मन पुंगवानाम, बड़े बड़े ऋषि लोग अपना सर को नीचे करके टांग को ऊंचा करके चारों तरफ में आग लगा करके एक अंगूठा पर खड़े होकर कठोर तपस्या करते हैं, जिस चरण को पाने के लिए, जिस चरण को पा करके लक्ष्मी लक्ष्मी तो प्राप्त किया, जिनको ब्रह्मा शंकर भी जिन चरण को पाने के लिए तपस्या कर रहे, वहां पर बड़े बड़े ऋषि, वहां पर जो ब्राह्मण लोग भगवान की चरण कमल की स्तुति कर रहे थे, भगवान की चरण की कितने महत्व है चरण की। महाप्रभु जब दर्शन किया रोने लग गए, महाप्रभु का आंखों से आंसू बहने लग गया, जिनकी चरण में स्वयं पतित पावन स्वयं गंगा जी, जिनकी चरण से बोले गंगा देवी की, जहां पर स्वयं गंगा देवी जहां पर प्रकट हुई है, महाप्रभु तो सुन सुन कर रोने लग गए महाप्रभु। फिर उन्होंने महाप्रभु दर्शन करते हुए अपना पितृ उद्देश्य में पिंड प्रदान करते हुए जब आए, फिर उन्होंने अपना गुरु जी को दर्शन किया। अब बताओ महापुर का गुरु जी का नाम क्या, बोला तो लोग कुछ बोलते नहीं, हाँ ईश्वरपुरी बाद उनका गुरु जी का नाम है। जब उन्होंने गए अपना गुरु जी का दर्शन किया, अपना गुरु जी को दर्शन करते हुए महाप्रभु प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु बोले गया यात्रा सफल हमार, जब तक क्षण देखिला हम चरण तुम्हार। महाप्रभु कह रहे आज गया ना हमारी सार्थकता हो गई, बोले क्यों, आज हमने गुरु जी को दर्शन किया, आज हमने अपना गुरु जी को दर्शन किया है, क्यों, तो गुरु जी दर्शन किया तो क्या हुआ, देखो कितना महत्व है, इस चीज को समझो। कर जैसे आपने पितृपुरुष को उद्देश्य में पिंड देने के लिए गए, पिंड देने से क्या होता है, उनका थोड़ी सी पाप दूर होगा और कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी उनको पाप दूर हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा दर्शन मात्र कोटि पितृगण
सही क्षणे ब्रह्म मंथ पाय विवचन, अतएव तीर्थ नहे तुम्हार समान। देखो साधु दर्शन का कितने महत्व, गुरु दर्शन का भगवान स्वयं कहते हैं। लेकिन जब अपना हमने गुरु जी को दर्शन किया उसमें क्या होगा, वहां पर तो जिसकी उद्देश्य में दिया थोड़ी सी पाप ही नष्ट और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें साधु दर्शन हो गया ना, अगर साधु से महाप्रभु जब दीक्षा मंत्र ग्रहण किया और दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हुए महाप्रभु पहले थे पंडित निमाई, लेकिन महाप्रभु जब आए तब प्रेमिक निमाई, दिन रात हा कृष्ण बोल करके महाप्रभु रोते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तुमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण। अगर किसी शुद्ध साधु से अगर हमने हरि नाम लेकर के अगर हमने भगवान की भजन करना शुरू कर दिया क्या होगा, हमारे कितने कितने पितृपुरुष उद्धार हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कोटि पितृगण, तुम्हारी करोड़ों करोड़ों जो पितृलोक सबके सब उद्धार हो जाएंगे। देखो आप लोग जो गले में कंठी माला लिए हो ना, साधारण मत समझो, पुराण में कथा आती है, पुराण में कथा आती है। एक समय एक जोगी पहुंचा, जोगी पहुंचा तो उसने देखा नरक में, उसने देखा नरक में एक व्यक्ति को गला पकड़ करके उसको टाटी पेशाब कुंड में डूबो रहे थे, हैं उसको डूबो रहे थे। लेकिन वो व्यक्ति हा 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 करके हंस रहा था। उन्होंने पूछा भैया तेरे को टाटी पेशाब कुंड में डूबो रहे तो हंस क्यों रहे हो। वो कह रहा है जो करना आज कर लो कल नहीं कर सकते हो। बोले क्यों, कल हमारी वंश में हमारी परिवार से एक व्यक्ति शुद्ध वैष्णव बनेगा, एक व्यक्ति गुरु जी से गले में कंठी और तिलक लगाएगा, तिलक लगाकर क्या करेगा, भगवान की माला जप करेगा, हरि की माला जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो कल हमारे परिवार से एक व्यक्ति गुरु जी से क्या गले में कंठी और तिलक लगा कर हरि नाम करेगा, जब करेगा ना क्या होगा जानते हो, वंश में एक व्यक्ति जब हरि कृष्णा जब कर तिलक गले में कंठी हरि नाम ले, कहते कल तुमको उल्टा जो मेरे को कुंड में डूबो रहे ना टाटी पेशाब का, कल मेरी चरण छूना पड़ेगा, कल तुम्हें मेरी चरण छूना पड़ेगा। बोले क्यों, हमारे भविष्य में एक व्यक्ति हरिनाम करेगा, वैष्णव मंत्र में दीक्षा ग्रहण करेगा। समझो जो व्यक्ति वैष्णव मंत्र में दीक्षा लेकर के तिलक गले में कंठी हरिनाम करते हैं उसकी इतनी महिमा। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तोमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण। जब हम किसी शुद्ध वैष्णव का दर्शन करते हुए हम भगवान के नाम ग्रहण करते हैं कोटि पितृगण, उस समय में कर्ण पितृ पुरुषों को उद्धार हो जाता है। सही क्षण भव बंध पाय विमोचन, उसी समय में ही सारे भव बंधन उसकी दूर हो जाता है। इतने महत्व है, अतएव तीर्थ नहे तुम्हार समान। महाप्रभु कह रहे हैं भैया कभी भी वैष्णव को साथ में ये तीर्थों को बराबर नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे भाई वैष्णव लोग तीर्थ क्यों जाते हैं, जाते हैं ना वैष्णव तीर्थ में क्यों जाते हैं, किसलिए जाते हैं, बोले तीर्थ कुर्बन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदाधृतम्। जब गंगा देवी आ रही थी, गंगा देवी भगीरथ ने प्रसन्न कर दिया, अपना पितृ सगर महाराज का 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि की अभिशाप से सबके सब जल करके राख हो गए थे। जब राख हो गए थे बोले कैसे उद्धार होगा, कपिल मुनि बोले एक काम करो गंगा को ले आ, गंगा की स्पर्श से उद्धार हो जाएगा। तो उनको पितृपुरुषों ने बहुत कोशिश किया, दिलीप असुमान इन लोगों ने कठोर तपस्या किया लेकिन किसी तरह से उनको ला नहीं पाए। लेकिन ये भगीरथ ने प्रसन्न कर दिया, हाँ बचपन में उन्होंने तपस्या कर खुश कर दिया। गंगा देवी बोले ठीक है मैं जाऊंगी लेकिन मेरे पास में दो समस्या है, ये समस्या को दूर कर। बोले बताओ क्या समस्या, बोले मैं जब ब्रह्म लोक से, आप लोग गंगा देखे हो, कौन कौन गंगा देखे हो,
आप कभी गंगोत्री तो गए नहीं, गंगोत्री गए हो? जहाँ गंगा निकल रही वहां पर नहीं गए होंगे, जो गोमुखी से जब पानी जो निकलती है, कितना तेजी से पानी निकलती है। कहते मैं ब्रह्मलोक से आऊंगी, जब ब्रह्मलोक से आऊंगी कहते गंगा की इतना तेज है, अब गंगा यहाँ पर देखो कितने लंबी पानी है ना, कितने लंबी है, वही पानी जब इतने मोटे से निकलती है समझो कितना तेज उसकी होगी। कहते जब मैं ब्रह्मलोक से आऊंगी मेरी बेग इतना बेग है, ये बेग को कौन सहन करेगा। तब उन्होंने भोले बाबा को प्रार्थना किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले अहो भाग्य है, ठाकुर का चरणामृत है। किसका भाग्य में होता है ठाकुर जी की चरणामृत को धारण करना, किसका सौभाग्य होता है? जरूर मैं धारण करूंगा। गंगा देवी बोले धारण कर लोगे? बोले निश्चय। बोले बाबा आप जानते नहीं मैं इतना कितना बैग है, इतना मेरी बैग है ना, आपको पूरा नीचे ले जाऊंगी। बोले आ जा, जितने तुम्हारी शक्ति, सारे शक्ति को लेकर के, हे शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े हो गए। गंगा बड़ी तेज से आई लेकिन शंकर जी ने ऐसे जटा फैलाया, ऐसे शंकर जी जटा फैलाया और जटा में ही गंगा वहीं पर ही समा गई। इतना बड़ा शंकर जी ने जटा फैला दिया, इसलिए शंकर जी धारण कर लिया। बोले ठीक है, दूसरी समस्या क्या है? कहते अब हम लोग, अब लोग गंगा क्यों जाते हो? अरे गंगा क्यों चलो? हाँ गंगा जाकर पाप को धो करके आए, बोलते ना भैया चलो गंगा नहा करके पाप धो आएंगे, हैं सब पाप को धोने के लिए जाते हैं। इसलिए गंगा कहती है सब लोग आकर तो पाप को धो कर जाएंगे, अरे बताओ मेरी कैसे कल्याण होगी, मेरे को कौन उद्धार करेगा? बोले इसका दूसरा समस्त ये समाधान है, जैसे पापी लोग भी जब स्नान करने जाएंगे संत लोग भी तो आएंगे, वैष्णव लोग तो आएंगे, जो भक्ति करते हैं वो भी तो स्नान करेंगे, लेकिन जब उनकी चरण स्पर्श होगा, बोले तीर्थ कुर्बंत तीर्थानि शांतस्तेन गदावृतम, क्योंकि भक्त लोग अपना हृदय में भगवान को धारण करते हैं, ठाकुर जी को हृदय में धारण करते हैं। बोले भाई तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव का हृदय में, इसलिए इतने शक्ति संतों की, इतने शक्ति कहते ताहर प्रभाव कोटो जोजन निस्तारी, एक शुद्ध साधु कहीं जन्म हो जाए ना उसकी प्रभाव से करोड़ जोजन तक कल्याण हो जाता है। कहते जो वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है, उनका जब प्रेममय दृष्टि से जितने दूर तक देखे सारे पाप नष्ट हो जाता है, और उनका चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपनी आप धन्याती धन्य मानती है। इतने शक्ति एक साधु जन्म लेने का। कहते भैया साधु लोग भी तो स्नान करने आएंगे, जब साधु लोग स्नान करने आएंगे उनकी चरण स्पर्श से क्या होगा, सारे पाप को भी ग्रहण कर लेंगे, सारे पाप को वो ग्रहण कर लेंगे, इसलिए आप कोई चिंता मत करो, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया साधु को साथ में ये तीर्थ को कभी बराबर नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तीर्थ में नहाने से केवल थोड़ी पाप नष्ट होगा, फिर हम घर में आकर क्या करेंगे, फिर दोबारा पाप करना शुरू कर देंगे, हैं? पाप करना शुरू कर गए, गया गंगा में नहाया, आते समय दो चार माताएं बैठी गई, फिर वही सास बहू की चुगली करते करते आए, सारे पाप की कटली को सर पर रखे, फिर दोबर आ गए, हैं? फिर गया तुम्हारी तीरथ फिरत सब गया, तुम्हारी खत्म हो गया। इसलिए लेकिन जब हम साधु सहन करें क्या होगा, हमारी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हृदय परिवर्तन होने पर क्या करेगा, फिर तो हम दिन रात भगवान की भजन करेंगे। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हाँ ये दोनों बच्चों का आवाज सबसे ज्यादा तेज है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं तीर्थ में
इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज मेरा तीर्थाटन सार्थकता हो गया। बोले क्यों? आज मैंने अपना गुरु जी को दर्शन किया, गुरु जी से हरिनाम मंत्र दीक्षा लेकर के आज से हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की हम भजन करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपना गुरु जी से मिले, दीक्षा मंत्र ग्रहण किया, और दीक्षा मंत्र ग्रहण करते हुए जब उन्होंने वापस आए ना, पहले महाप्रभु थे पंडित निमाई, महाप्रभु इतने बुद्धिमान, महाप्रभु इतने बुद्धिमान थे, बड़े बड़े जो विद्वान लोग, अगर महाप्रभु इधर इसी रास्ता से आ रहे ना, अगर कोई दूर से कोई पंडित देख लिया, क्या देख लिया, निमाई पंडित आ रहे, और महाप्रभु का उम्र बहुत कम था, 15-16 साल का था, लेकिन महाप्रभु इतने बुद्धिमान थे, उनको देख करके पंडित लोग भी रास्ता बदला देते थे, वो रास्ता बदला करके दूसरे रास्ता पर चले जाते थे। बोले क्यों? कभी ये निमाई पंडित कोई प्रश्न नहीं करते, और महाप्रभु ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे जिनका प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाते थे, डर जाते थे हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने वापस आ गए, कहाँ से, जब महाप्रभु गया से वापस आए, अरे महाप्रभु सारे पंडित पंडित छोड़ दिए, सब छोड़ दिया महाप्रभु, और छोड़ करके अभी दिन रात, महाप्रभु स्वयं टीचर थे, महाप्रभु स्वयं टीचर थे, जब स्कूल पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, जब पुस्तक खोलते हैं, बस का मतलब कृष्णा हैं, का मतलब कृष्णा, अभी इधर उधर पढ़ाई नहीं करते हैं, इधर उधर कहते नारायणाद उद्भूत अयम वर्ण क्रम, ये जितने वर्ण और क्रम कहाँ से उत्पत्ति हुआ, बोले श्री जगन्नाथ जी से हुआ है, जगतपति जगन्नाथ से हुआ है, जितने शब्द जितने धातु सब कुछ भगवान से ही, सबके सब भगवान से प्रकट हुआ है, सूत्र वृत्ति टिकाए सकली हरिनाम, सब चीज को हरिनाम पर व्याख्या करते हैं, हैं? कहते भैया धातु, धातु रूप में कौन बैठे, भगवान, जब भगवान शरीर से चले जाए बाहर, शरीर मरा हुआ शरीर, इसलिए धातु रूप में कौन बैठे हैं, ठाकुर हृदय में हमारे बैठे हैं, इसलिए सारे शास्त्र का महाप्रभु केवल कृष्ण कृष्ण पर उन्होंने व्याख्या किया, हाँ कृष्ण कृष्ण पर व्याख्या किया। व्याख्या करते हुए एक दिन चैतन्य महाप्रभु धीरे 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 अपना स्वरूप को प्रकाश किया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, अभी सारे भक्तों को पता चले गया चैतन्य महाप्रभु कौन। जितने भक्त लोग बड़े दुखी थे, क्यों क्यों दुखी थे, जब उसी समय में महाप्रभु आने समय से गीता भागवत रामायण भी पढ़ते तो थे, लेकिन आपस आपस में थोड़ी लड़ाई झगड़ा करते थे, अगर जो भगवान की तिलक गले में कंठी लगा लेना बस उनको हंसी दिलाई करते थे, हाँ कोई काम धाम नहीं, दिन भर बैठ करके, हाँ दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हो, जो तिलक कंठे में लगाए ना, मतलब मीरा का बात है तेरी नंबर है, हैं ये तेरी नंबर, बड़े भक्तानी बन रहे हो, लंबी लंबी तिलक, इसलिए बड़े जो भक्त भजन करते थे ना, उनको ऐसे उपहास करते थे, उनकी खिली उड़ाए करते थे, हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जब भक्त बन गए, महाप्रभु सारे भक्त लोग प्रसन्न हो गए। बोले क्यों प्रसन्न हो गए? अब देखना, कोई अगर कोई बड़े व्यक्ति जो अगर कोई काम करता है ना, उसको सबके सब, जैसे मोदी है ना, नाम सुने मोदी की, हाँ मोदी है, इसलिए जब मोदी उन्होंने राम मंदिर का स्थापन किया, इसलिए स्थापन करने का वजह से लोगों का हृदय में भगवान राम का प्रति जो आस्था है बढ़ गया। अब देखना वो भी कभी कभी तिलक देखे ना, मोदी का कभी कभी तिलक है ना, कभी कभी तिलक लगाते हैं, साधु संतों के पास में जाता है, जाते जाने के वजह से आप देखना बड़े व्यक्ति कभी कभी मोदी के देखना माला भी जप करता है, आप देखे होंगे कभी गंगा स्नान करता है, कभी माला जप करता है। कहते जब कोई बड़े व्यक्ति कोई काम को करता है, जत जत आचरते श्रेष्ठ तत तत देव इतर जना सजत प्रमाण करते लोकस्तद अनुवर्तते। कोई बड़े व्यक्ति अगर कोई काम को करता है, जो छोटे व्यक्ति उसको देख करके अपने आप सीख जाते हैं, अपने आप उसको सीख जाते हैं। और महाप्रभु तो धुरंधर पंडित थे, विद्वान थे महाप्रभु। जब देखा महाप्रभु ने भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू कर दिया, महाप्रभु भी हरे कृष्ण नाम गले में कंठी माला पहनने लग गए। ए जितने भक्त लोग थे ना, बोले अभी जितने पाखंडी है, जब हमके खिली उड़ाए करते थे ओ हरे कृष्ण वाले, अब इनको मजा चखाएंगे, इनको मजा चखाएंगे। बोले क्यों? महाप्रभु स्वयं बड़े व्यक्ति अभी भगवान की भजन कर रहे हैं, हैं बड़े व्यक्ति, और पाखंडी लोग भी, बोले ये निमाई पंडित तो पहले बढ़िया था, पढ़ता था, लिखाई पढ़ता पढ़ाई करता था,
अभी ये क्या सब पागलों को साथ में हरि बोल करने लग गए हैं, ये क्या हरे कृष्ण करना शुरू कर दिया हैं, ये कौन सा बीमारी इनको पकड़ लिया, पहले तो बड़े बढ़िया थे। अभी महाप्रभु जब धीरे 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 अपना स्वरूप को धीरे धीरे महाप्रभु प्रकाश करना शुरू कर दिया, एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान को जो विष्णु की जो खटिया थी जिसमें ठाकुर जी को हम शयन कराते ठाकुर को बैठाते हैं, एक दिन महाप्रभु स्वयं बैठ गए, जितने सालग्राम थे सबके सब गोद में लेकर के, इतने में महाप्रभु अपनी आप को प्रकाश करने लगे, देखो मैं कौन हूँ, मैं वही राम हूँ, मैं वही कृष्ण हूँ, मैं वही नारायण हूँ है। और महाप्रभु ने एक एक भक्तों को महाप्रभु एक एक भक्तों को बुला बुला करके सब उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाना शुरू कर दिया। हम लोग सुनेंगे महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। एक भक्त थे जिनका नाम था देवानंद पंडित, क्या नाम था, बड़ा विद्वान था, संस्कृत में धुरधर पंडित था, लेकिन पंडित होने पर क्या होगा ये मत समझो, हमने ज्यादा लिखाई पढ़ाई सीख गया वह पंडित हो गया भगवान की भक्ति पहचान, लेकिन नहीं ये मत समझो, एक मूर्ख से मूर्ख क्यों नहीं हो भैया, वो भगवान की भक्ति को बाद में समझ सकता है, अगर सरल हो वो व्यक्ति, अगर सरल हो वो समझ सकता है, लेकिन भले ही बहुत बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, बहुत लिखे बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं होना वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं। एक मूर्ख से मूर्ख भी समझ सकता है, एक पंडित भी नहीं समझ सकता है, इसलिए उपनिषद में कहते हैं ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, अगर कोई सोचे हम बड़ा प्रवचन करते हैं भगवान को समझ नहीं, ना मेधया, अगर सोचे हम तो बड़े इंटेलिजेंट है भगवान को समझ नहीं, ना बहुना श्रुते न, अगर सोचे हम तो बहुत सुनते सब नहीं, कोई बोला हम वेद पढ़ते हैं हैं, बोले नहीं नहीं समझ सकते हो, बोले कैसे समझ सकते हो, बोले सही जाने जा रहे देहु जाना ही, जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करते हैं ना वो अपनी आप को जब तक नहीं जनाते हैं भैया उनको हम नहीं समझ सकते हैं, अगर जिसको जनाएंगे वो मूर्ख से मूर्ख क्यों नहीं हो वो सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये देवानंद पंडित बड़ा विद्वान था, बड़े धुरंधर विद्वान था, एक समय ये भागवत पाठ कर रहा था और उसको सोचकर चले चापाटी सब बैठ कर कथा सुन रहे थे, इतने में श्रीवास पंडित भी आकर के बीच में बैठ गए। श्रीवास पंडित अब बताओ वो कौन है कृष्ण लीला में, कौन है, अभी तुम लोग सब पंडित हो गए हो इसलिए वो नारद है ना, नारद जी, नारद भगवान की परम भक्त है, इतने में वो आकर के बैठ गए। जब बैठ गए वो भागवत व्याख्या करते करते उन्होंने एक श्लोक को उच्चारण किया है, बोले बरह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयन्ति च मालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरय न गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्ताद गीत कीर्ति। ये राधा रानी ब्रज गोपियां अपना घर में बैठी बैठी करके कृष्ण जब गोचारण के लिए सखाओं को साथ में जाते हैं, हमारे कृष्ण कितने सुंदर हैं, कितना सुंदर मयूर पंख धारण किए, कितने सुंदर कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, जिसको सुन करके गोपियां कभी कभी उलाहना देते हैं, कहती है हमारे शौक ये बंसी, इसलिए कभी कभी गोपियां कहती है राधा रानी अगली जीवन में तो और हम राधा ही नहीं बन करके आएंगे, आएंगे तो क्या बन करके आएंगे, कहती है बंसुरी बन करके। बोले क्यों, बोले देखो कृष्ण दिन रात बंसी को लेकर पड़े रहते हैं, कभी कमर में कभी हाथों में कभी अधर में, कभी उसको बंसी को भी छोड़ते नहीं, और कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधरामृत में हमारी अधिकार है, लेकिन ये बंसी क्या कर रहे हैं, हमें अंगूठा दिखा दिखा करके सारे रस को ही चूस रहा है। चलो हम पौर्णमासी को से पूछते हैं कि बंसुरी ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा पुण्य की अभी ये बंसुरी बन करके आए, हम भी ऐसे पुण्य करके अगली जीवन में क्या बन करके आएंगे, हम भी ये बंसी बन करके आएंगे। इसलिए बड़ी सुंदर कृष्ण की महिमा को गा रहे थे, कृष्ण कैसे सुंदर, गले में वैजयंती माला कैसे धारण किए,
कृष्ण कैसे सखाओं को साथ में गोचारण करने जाते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी अपने आप कितना धन्य मानती है। बड़े सुंदर कृष्ण की महिमा को गा रहे थे। अभी भक्त लोग जब भगवान की सुंदर कथाओं को सुने अपने आप हृदय में तो प्रेम प्रकट होता है। इतने में श्री नारद जी श्रीवास पंडित जब उन्होंने ये श्लोक को सुने, ये श्लोक को सुनते ही वो भरी सभा में तो रोने लग गए, लौट पोट खाने लग गए, उनको आंखों से आंसू बहने लग गया, मुंह से लाल बहना लग गया और कृष्ण प्रेम में एकदम है लौट पोट खाने लग गए। लेकिन उनका जितने चेले चापाटी बैठे हुए थे ना, उनके हृदय है तो पंडित लेकिन भक्ति भक्ति कुछ है नहीं। बोले इतना सुंदर कथा हो रही थी, हाँ इतना सुंदर कथा हो रही थी, ये कहाँ से उत्पात आ गया है, उत्पात आकर के ये कहाँ से सब उल्टा पुल्टा, ए जो निकाल दो यहाँ से। जितना उनको चेले चापाटी थे ना भैया, उनको पकड़ कर घर से निकाल दिया। लेकिन देवानंद पंडित कथा कर रहा था लेकिन उसने कुछ भी बोला नहीं। लेकिन महाप्रभु कौन, भगवान को सब जानते, गटगटवासी सब जानते हैं। इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना विष्णु के खटिया पर बैठ करके उन्होंने किसको बुलाए, बोले श्रीवास पंडित को बुलाओ। और जब उनको वहां से निकाल दिया, इस समय बड़े दुखी होकर गए, बड़े दुखी नारद है ना, इतने दुखी हुए हैं, दुखी होकर गए। इतने में महाप्रभु श्रीवास पंडित को बुलाया, बोले श्रीवास तुम्हारी याद है जब तुम मेरी कथा सुन करके वहां पर लौट पोट खा रहा था और इन लोगों ने तुमको निकाल दिया, तो बड़े दुखी होकर घर में गया, बैठ करके रो रहा था। भगवान कह रहे हैं उसी समय मैं वैकुंठ से आया, मैं स्वयं वैकुंठ से भगवान कहते मैंने आया और तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे पास में बैठाया और तुमको सर में हाथ घुमा करके तुमको समझाया बुझाया सांत्वना दे करके फिर मैंने वैकुंठ में गया। तुम पता है, बोले प्रभु आप ही थे, बोले मैं ही था, मैं ही था है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर किसी भक्तों के हृदय में अगर कोई कष्ट आए ना, अगर सचमुच से हम भगवान को हृदय से बुलाओ, ठाकुर जी आवाज देते हैं। ये मत समझो हमने भगवान की भक्ति की, ये हुआ ये हुआ, भगवान हमारे साथ नहीं दिए, नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तेसाम सतत जुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जुगम तम जनमाम उपजानते थे। अगर सद हृदय से अगर मेरे को कोई पुकारता है, भगवान कहते हैं उसको सारे बुद्धि वृत्ति मैं प्रदान करता हूँ, मैं प्रदान करता हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनको सारे जीवन चरित्र सुना रहे थे, सारे जीवन चरित्र उनको सुना करके याद करा रहे थे। ये मत समझो मैंने कोई आवाज नहीं दिया, हर विपत्ति में मैंने तुम्हारी साथ में दिया। और एक भक्त कथा दो मिनट सुन लो, आरती रेडी कर लो, हाँ सुन, ध्यान देके सुनो। एक भक्त थे जिनका नाम था गंगादास, क्या नाम था, अरे जोर से बोलो, हाँ इनकी कथा को सुनो ध्यान दे करके। बोले एक समय पहले मुसलमान लोग क्या करते थे, हमारी बेटी बहू की इज्जत ले लेते थे, मुसलमान पीरियड था वो हमारी बेटी बहू का इज्जत ले लेते थे। एक समय रात पर ये मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया हिंदुओं के ऊपर, जब हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर दिया वो क्या करते थे, बेटी बहू की इज्जत ले लेते थे। इतने में जो गंगादास जब पंडित थे उनने देखा तो मुसलमान लोग आक्रमण किया, अभी हमारे घर में घुस करके हम देखते देखते हमारी बेटी बहू के ऊपर अत्याचार करे, कभी पिता सहन कर सकता है। उन्होंने किया कि अपना बेटी बहू को लेकर के घर से निकल गए, रात रात निकल गए, अभी जाएंगे कहाँ। ऐसे करते करते गंगा किनारे में चले गए, जब गंगा किनारे में चले गए अभी वहीं पर बैठे हुए, क्योंकि मुसलमान आकर के हमारी बेटी बहू की इज्जत नहीं ले जा। ठाकुर जी को पुकार, हे ठाकुर जी हमारी बेटी बहू को रक्षा करो, हमारे सामने अगर मुसलमान आ करके इनको स्पर्श करते हैं हमारे सामने, कितने दुख का बात है, हम ये चीज को हम सहन कैसे करेंगे। बड़े दुखी हो रहे थे, जब हृदय से पुकारे ना स्वयं कृष्ण स्वयं नाव लेकर के आ गए, ठाकुर जी कृष्ण स्वयं नाव लेकर कृष्ण आ गए। बोले क्या बात है यहाँ क्यों बैठे हो, बोले बाबा नौका भैया मैं तुमको रिश्वत दूंगा है, तुमको इनाम दूंगा, ये मुसलमान हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया है, ये हमारी बेटी बहू का हमारे सामने पकड़ करके बुरे कर्म कर्म करेंगे, हमें यहाँ से निकाल दो किसी तरह से। बोले कोई बात नहीं बैठो नाव,
जब नाव में कृष्ण स्वयं उनको नाव पार करा के दूसरे तरफ में पहुंचा दिया। जब पहुंचा दिया बड़े खुश हो गए, बोले भैया रात बीच में कौन आया। इतने में चैतन्य महाप्रभु वो गंगादास पंडित को बुलाया, बोले पंडित जी याद है। बोले किस चीज की। बोले जब मुसलमानों ने आक्रमण किया उसी समय तू अपना बेटी बहू को घर से निकल कर ले गया और पुकार रहा था प्रभु मेरे को बचाओ मुसलमान से, तुम्हारे याद है आध रात में कोई एक नाव लेकर के आया था। बोले हाँ एक व्यक्ति आया था और हमें गंगा पार करा दिया था। भगवान बोले मैं ही था, भगवान बोले मैं ही था, तुमको मैंने ये गंगा पार करा के दूसरे पार में ले गया था। जब इतना बोले उन्हें तो रोने लग गए भगवान के चरण पकड़ करके। बोले प्रभु आप ही थे उधार किया। बोले मैं ही था। यहाँ शिक्षा देते हैं अगर कोई विपत्ति में पड़े अगर भगवान को हृदय से पुकारते हो, भैया हम केवल बुलाने का देर है वो आने के लिए कोई देर नहीं करते हैं, केवल अगर हृदय से बुलाओ तो वो आवाज देते हैं। इसलिए महाप्रभु ऐसे ऐसे एक एक भक्तों को बुला बुला करके उनका आशीर्वाद और उनकी सारे जीवन चरित्र को उन्होंने सुना रहे थे। ठीक है फिर कल और सुनेंगे कौन सा भक्त बुलाया और भगवान उनको कैसे उनकी रक्षा किया है, हम लोग ये सब बात कल सुनेंगे। ठीक है बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु कल क्या प्रोग्राम बोल दो।